नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड जो हमारे मूल सिद्धांत हैं उनके बारे में। तो केमिस्ट्री से रिलेटेड सबसे पहला टॉपिक आता है आवर्त सारणी। तो आज हम आवर्त सारणी का इंट्रोडक्शन समझेंगे, पीरियोडिक टेबल। आपने नाम सुना होगा, आपने देखा भी होगा। तो आवर्त सारणी की बात करेंगे। आवर्त सारणी की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसे क्यों बनाया गया और इसे कब से बनाना स्टार्ट किया गया, इसकी हिस्ट्री को समझेंगे और जो इसके लिए बेसिक रूल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो तत्व होते हैं एलिमेंट्स, उनके वर्गीकरण के लिए, उनको मतलब व्यवस्थित रूप से रखने के लिए या फिर समझने के लिए, उनके गुणधर्मों को समझने के लिए, क्वालिटीज़ को समझने के लिए, उनका क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किया जाता है अध्ययन की सुविधा के लिए। तो इसीलिए क्या बनाई जाती है, आवर्त सारणी। जब पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ, तत्व खोजे गए एलिमेंट्स, तो वहां पर क्या हुआ कि कम तत्व थे, तो वहां पर इसकी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। पर जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई तो उनके गुणधर्मों को समझने में, और क्योंकि तत्वों की संख्या ज़्यादा होती जा रही थी तो उनकी क्वालिटीज़ को डिफाइन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो ऐसा नहीं करते हैं कि जैसे वर्गीकरण क्लासिफिकेशन होते हैं रोज़ में डिवाइड कर देते हैं। आपने स्कूलों में देखा होगा, हमको अलग अलग रोज़ में बैठाते हैं, ठीक है, लड़कों की अलग रोज़, लड़कियों की अलग, क्योंकि इससे क्या होता है, थोड़ा क्लासिफिकेशन रहता है और अच्छा भी दिखता है और एक गुणधर्म वाले लोग एक टाइप से बैठ जाते हैं, रोल नंबर से लोगों को बैठाया जाता है। तो व्यवस्थित ढंग से रखने के लिए तत्वों को आवर्त सारणी बनाई गई है, ठीक है। तो आवर्त सारणी बनाने का प्रारंभ कहाँ से हुआ, इसको देखेंगे, और आवर्त सारणी की आवश्यकता क्यों महसूस हुई और इनमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो आवर्त सारणी में सबसे पहले जो पुरानी आवर्त सारणी हुआ करती थी तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर हुआ करता था परमाणु भार, ठीक है, परमाणु भार। ये मास नंबर से टोटली डिफरेंट है, ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि ये मास नंबर नहीं है, ये परमाणु भार की बात करता है। इसको AMU से दर्शाते हैं। अब ये AMU, ठीक है, इसको स्मॉल AMU से बोलते हैं, इसे एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं इसको, AMU, ठीक है। ये वर्ड आएगा एक परमाणु भार, जिसे बोलेंगे AMU से दर्शाएंगे, और एक AMU होता है हाइड्रोजन का, ठीक है, और भी तत्वों का ऐसे ही AMU एटॉमिक मास होता, एटॉमिक मास यूनिट होती है जो कैलकुलेशन करती है। इनको वेट की ही यूनिट है ये, ठीक है, kg मतलब ये जो है तो द्रव्यमान की ही यूनिट है, पर क्या है, ये जो है तो एटॉमिक भार जो होते हैं परमाणु, क्योंकि बहुत छोटा होता है उसका वेट बहुत ही कम होता है, तो इसीलिए नई यूनिट डिस्कवर की गई है AMU, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो ये द्रव्यमान के बारे में बात करता है, तो उसमें परमाणु भार की बात आएगी और दो गुणों की बात आती है कि कभी के, मतलब जो तत्वों के दो टाइप के गुण बेसिकली होते हैं, रासायनिक गुण और भौतिक गुण, दो टाइप से होते हैं, कोई तत्व मुलायम होता है, कोई तत्व गैस है, ठीक है, कोई तत्व बहुत कठोर होता है, कोई तत्व जो है तो बहुत ही ब्रिटल होता है, ठीक है, तो किसी की डेंसिटी कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, कोई हाइड्रोजन से क्रिया करता है, कोई ऑक्सीजन से क्रिया करता है। तो वैसे ही दो वर्ड्स आएंगे, रासायनिक रासायनिक गुण एवं भौतिक गुण, ठीक है। अब ये रासायनिक गुण क्या होगा और ये भौतिक गुण किन चीजों को बोलेंगे, तो भौतिक गुण बोला जाएगा घनत्व को, गलनांक को, और क्वथनांक को, किस दाब पे पिघल जाता है और किस दाब पे मतलब उबलने लगता है, गलनांक, क्वथनांक, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी और भी बहुत सारी भौतिक फैक्टर हैं, तो बेसिकली इन चीज़ों पे बात की जाएगी और रासायनिक गुण में बात की जाएगी कि ये कैसे क्रिया करता है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के साथ क्रिया की बात की जाएगी कि इनसे क्रिया कराने पे ये किस प्रकार का बिहेव करता है, ठीक है। तो तत्वों को इन आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और क्वालिटीज़ को समझा जाता है कि ये एक टाइप की क्वालिटीज़ के तत्व हैं। तो जब प्रारंभ में वर्गीकरण किया गया इन तत्वों का, तो
ज्यादा तत्व तो थे नहीं उस टाइम पे, तो जानकारी भी कम थी, ठीक है, ज्यादा तत्व तो थे नहीं, तो वर्गीकरण थोड़ा आसान हुआ और लोगों को लगा कि अभी इतने ही तत्व तो खोजे गए हैं और शायद इतने ही तत्व तो मतलब यहाँ पर उपस्थित हों पृथ्वी पे, तो क्या किया जाएगा कि जब इतने तत्व तो, इतने कम तत्व तो हैं तो वर्गीकरण आसान होगा। तो सबसे पहला वर्गीकरण लेवाजियर ने किया। अब ये लेवाजियर कौन है, तो लेवाजियर को आप नोट डाउन कर लीजिए कि रसायन विज्ञान का या फिर केमिस्ट्री का जनक बोला जाता है, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा भी गया था, पूछा भी जाता है कि किसके, फिजिक्स के जनक कौन है, केमिस्ट्री के जनक कौन है, बायो के कौन है, ठीक है, तो लेवाजियर केमिस्ट्री के जनक माने जाते हैं। अब लेवाजियर का जो वर्गीकरण है उन्होंने कैसे दिया, ये सबसे प्रारंभिक बातें चल रही हैं, ठीक है, तो लेवाजियर ने वर्गीकरण किया सिर्फ दो टाइप से डिवाइड कर दिए, क्योंकि खोजे गए तत्वों की संख्या 1700 किट एबीसी मतलब 1743 के आसपास, 1747 के आसपास, ये लेवाजियर का टाइम पीरियड था 1700 के आसपास, तो 1700 में क्या था, तत्वों की संख्या कम थी, तो उन्होंने डिवाइडेशन सिर्फ दो टाइप से कर दिया, एक धातु और एक अधातु, धातु एवं अधातु। पर यह वर्गीकरण ज्यादा समय तक नहीं चला, क्योंकि जब नए तत्व खोजे गए तो उनमें ना धातुओं के गुण थे ना अधातुओं के गुण थे, ठीक है, तो धीरे धीरे ये जो इनकी परिकल्पना थी तो ये धीरे धीरे अमान्य हो गई, पर एक शुरुआत तो हो गई थी, क्योंकि प्रारंभ कर दिया गया था कि हम तत्वों को या फिर जो एलिमेंट्स हम फाउंड कर रहे हैं तो उनको अपनी क्वालिटीज के अनुसार हम अलग अलग वर्गों में या फिर अलग अलग ग्रुप्स में रखेंगे, ठीक है, इसकी बात स्टार्ट कर दी गई थी लेवाजियर के द्वारा। अब इसके बाद हुए प्राउट्स। अब प्राउट्स की हाइपोथेसिस है, ठीक है, प्राउट की हाइपोथेसिस क्या बोलती है, परिकल्पना, प्राउट की हाइपोथेसिस बात करती है कि सभी तत्व हाइड्रोजन से बने हुए हैं, ठीक है, इनकी हाइपोथेसिस बोलती है कि जो भी एलिमेंट मिले हुए हैं अभी तक वो सभी हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं। ये भी एक परिकल्पना थी, ये भी परिकल्पना गलत हो गई कुछ समय के बाद या फिर उसी टाइम पे, क्योंकि हाइड्रोजन से सभी तत्व नहीं बने हुए हैं, ठीक है, तो इसीलिए, पर धीरे धीरे प्रयास जारी थे और इनके भी इनकी हाइपोथेसिस में यह बोला गया कि ये सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, यह भी गलत कथन था। अब आगे चल के क्या होता है, इसके इस क्षेत्र में सबसे पहला अच्छा प्रयास डोबे राइनर के द्वारा किया गया, ठीक है, डोबे राइनर का त्रिक नियम इन्होंने दिया और इसमें जो है तो तत्वों के वर्गीकरण का प्रथम सार्थक प्रयास इनके द्वारा किया गया। डोबे राइनर का त्रिक नियम, अब ये त्रिक नियम क्या होता है, इन्होंने क्या किया कि जो ज्ञात तत्व थे उनको तीन तीन के बंडल में इकट्ठा किया और यह बोला कि जो मध्य वाला तत्व होता है उसका, मध्य वाले तत्व का जो परमाणु भार है वो अब मतलब दोनों आगे एवं पीछे के तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। तो हम देखते हैं कैसे, ये 7, 23 और 39, ठीक है, इस तरह से उन्होंने त्रियक में डिवाइड किया, ये त्रियक नियम इस तरह बोलता है इनका। तो आप देखिए कि इसमें 39 प्लस 7 अपॉन 2 46 अपॉन 2 मतलब कितना आ जाएगा 23, तो जो इन दोनों का औसत होगा वह बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा, ये जो है तो बोला गया डोबे राइनर के त्रिक नियम में। इस तरह के कॉन्सेप्ट बनाए गए, पर क्या वही वाली बात आई कि यहां पर क्या हुआ, तत्वों की संख्या भी कम थी तो डिवाइडेशन इजी हो गया। पर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद जो एक ही क्वालिटी के तत्व, अब वर्गीकरण तो इस सुविधा के लिए किया गया था कि उनके जो है तो क्वालिटीज एक समान वाले तत्व एक ग्रुप में ग्रुप फॉर्म किया जाए और उनको एक साथ रखा जाए, पर इस वाली व्यवस्था में क्या हुआ कि बहुत सारे तत्वों में इस तरह का मेल नहीं बन पा रहा था, तीन तीन के ग्रुप्स में जा नहीं पा रहे थे और फिर उनका औसत भी करीब भी नहीं हो पा रहा था, मतलब
लगभग के आसपास भी नहीं आ रहा था। 23 है तो कभी कभी आना चाहिए 23, यहां पर 23 था और आ रहा था 30-40, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो रहा था, इस तरह की समस्या उत्पन्न हुई। इस वर्गीकरण को भी उचित नहीं समझा गया, ये डोबे राइनर का जो त्रिक नियम है इसे भी उचित नहीं समझा गया। तो ये था डोबे राइनर का त्रिक नियम। इसमें क्या किया गया है, तत्वों को तीन तीन के उसमें डिवाइड मतलब ग्रुप्स में रख दिया गया है। पर ये धीरे धीरे जब तत्वों की संख्या बढ़ने लगी या फिर उसी टाइम पे ये पॉसिबल नहीं हो पाया बहुत सारे तत्वों के साथ। तो अब डोबे राइनर के प्रयास के बाद हम आगे देखेंगे तो न्यूलैंड का अष्टक नियम आता है, ठीक है। न्यूलैंड एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने भी इस क्षेत्र में आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल बनाने का प्रयास किया। तो जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है, न्यूलैंड का अष्टक नियम, अब ये क्या बात करता है, इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इन्होंने सीधे निष्कर्ष निकाल दिया और बोला कि जो उस टाइम पे खोजे गए तत्व थे मतलब 56 जो एलिमेंट्स थे, तो इससे आगे अब खोज नहीं होगी, मतलब ये जो है तो पाए जाने वाले सारे तत्व तो हैं, अब इनकी संख्या इतनी ही रहेगी, 56 ही रहेगी। मतलब इनकी जो वर्गीकरण है इसमें जो है तो नए तत्वों के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया, यही इसकी सबसे ज्यादा बड़ी कमी थी। और इसमें यह बोला गया इसमें तत्वों को आठ की संख्या में वर्ग में रखा गया और आठवां तत्व पहला और आठवां तत्व क्या करता था, एक दूसरे से जो उनकी गुणधर्म है या क्वालिटीज हैं उनसे सिमिलरिटी रखता था, पहला तत्व और आठवां तत्व रिपीट कर रही थी क्वालिटीज आठवें तत्व के, ठीक है। तो उन्होंने 7 खानों में 8-8 तत्वों को डिवाइड किया, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या थी कि उन्होंने सिर्फ 56 तत्वों की बात की थी, कुछ जगह पे ऐसा हुआ था कि एक क्वालिटी वाले तत्वों के लिए स्पेस नहीं बचा हुआ था या फिर उस टाइम पे प्रॉपर कहीं कहीं पे ये रिपीटिशन भी नहीं हो रही थी, ठीक है। तो इस तरह क्या हो रही थी कि प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। तो क्योंकि इन्होंने पहला तो इन्होंने स्थान नहीं बाकी रखा था नए तत्वों की खोज के लिए और यहां पर जो है तो गुण धर्मों की समानता भी कहीं कहीं पर दृश्य नहीं होती थी और कहीं कहीं पर यह समानता जो है तो पास पास के तत्वों में ही आ जाती थी। तो इस तरह जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था यह भी एक अच्छा प्रयास था, पर यह सिर्फ 56 तत्वों को मानकर रखा गया था कि प्रकृति में सिर्फ 56 तत्व ही है, तो इसीलिए ये न्यूलैंड का अष्टक नियम भी जो है तो काम नहीं किया और कारगर नहीं रहा। अब हम मेंडलीव की ओर चलते हैं, आपने नाम सुना होगा मेंडलीव, रूस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने तत्वों के वर्गीकरण के क्षेत्र में या पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रथम मतलब सबसे अच्छा प्रयास इन्हीं के द्वारा किया गया, सबसे अच्छा प्रयास किया गया, जिसके बाद जो है तो जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है उसे खोजने का रास्ता मतलब निकल आया, किसके द्वारा, मेंडलीव की आवर्त सारणी के द्वारा। उन्होंने एक रास्ता दिखाया कि ऐसे तत्वों का वर्गीकरण ज्यादा इजी होगा। तो अब मेंडलीव की आवर्त सारणी मेंडलीव के सम्मान में ही, क्योंकि इन्हीं के द्वारा आवर्त सारणी का प्रारंभ किया गया और आधुनिक आवर्त सारणी के लिए पथ प्रशस्त किया गया, रास्ता दिखाया गया कि आवर्त सारणी के लिए किसके द्वारा, मेंडलीव के द्वारा। तो यहां पर क्या किया गया, तो इन्हीं के लिए आधुनिक आवर्त सारणी का जो 101 क्रमांक का तत्व है उसे मेंडलीवियम कहा जाता है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मेंडलीवियम 101वां जो तत्व है उसे मेंडलीवियम बोला जाता है, ये इन्हीं के सम्मान में बोला जाता है। तो इनका क्या नियम था, इन्होंने तत्वों को कैसे वर्गीकृत किया, तो इन्होंने ये बोला कि जो तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं वो इनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, या क्या बोला जाएगा उसे कि पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। मतलब सिंपल बात है कि अगर हम इनको परमाणु भार के बढ़ते क्रम में अरेंज करते हैं सभी तत्वों को, तो कुछ समय निश्चित समय अंतराल के बाद मतलब निश्चित आवर्त या पीरियड के बाद क्या होता है, जैसे निश्चित है कि करीब मान लीजिए इसमें और इसमें गुणधर्म समान होंगे, सेम क्वालिटी के तत्वों का रिपीटिशन होने लगता है सेम टाइम पीरियड के बाद, जब हम क्या करते हैं तत्वों को किसके अनुसार रखते हैं, उनके परमाणु भार के अनुसार। तो मेंडलीव का जो वर्गीकरण था वो परमाणु भार से संबंधित था, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं,
मतलब पीरियोडिक फंक्शन, एक निश्चित समय अंतराल के बाद या फिर समय अंतराल निश्चित भार के बाद क्या होता है, तत्वों के गुणधर्म में समानता फिर से आ जाती है। इस तरह इनका वर्गीकरण था। अभी आप स्लाइड में जो आवर्त सारणी देख रहे हैं, यह मेंडलीव की आवर्त सारणी है, यह हमारी आधुनिक आवर्त सारणी के समान ही है, ठीक है, जैसे हमारी आवर्त सारणी आज की है, बस उससे करीब करीब ही है। इसमें क्या किया गया है, सबसे मतलब आप इसे इसलिए इस मेंडलीव को इतना मेंडलीव की आवर्त सारणी को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है क्योंकि इनमें बहुत सारे तत्व ऐसे हैं कि उनके लिए स्थान रिक्त छोड़ा गया है और बाद में जब उस तत्व की खोज की गई तो देखा गया कि गुण धर्म में वैसी ही समानता है जैसा मेंडलीव के द्वारा बताया गया था। तो इसीलिए ये बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से तार्किक ढंग से बनाई गई जो है तो आवर्त सारणी है और इसका जो है तो नए तत्वों की खोज में बहुत ज़्यादा महत्व था और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको किया गया, ठीक है, और इसके द्वारा बहुत नए तत्व को खोजा गया और जो नए तत्व खोजे गए तो उनकी सिमिलैरिटी भी एक जैसी थी, ठीक है। तो ये परमाणु भार से संबंधित आवर्त सारणी है। अब जो आधुनिक आवर्त सारणी है वह थोड़ी इससे डिफरेंट है, पर क्या है, एक रास्ता तो इसमें भी कुछ कमियां थी। इसमें क्या हुआ था कि बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ था कि एक क्वालिटी, जैसे रिपीटेशन की बात आती है कि एक इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं गुणधर्म, पर कहीं कहीं पे क्या हुआ है कि एक साथ रखे हुए तत्वों के ही गुणधर्म एक जैसे हो गए हैं। तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी की कुछ कमियां थी, और भी बहुत सारी कमियां हैं, तो इस कारण ये आवर्त सारणी भी मतलब उतना अच्छा काम नहीं कर पाई। और इस आवर्त सारणी की खोज 1869 में की गई थी, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, और मेंडेलीवियम तो जरूर याद रखिएगा। अब हम आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं जो मोसले द्वारा दी गई थी। आधुनिक आवर्त सारणी जो आपने देखी होगी, अभी आप स्लाइड में जो आवर्त सारणी देख रहे हैं वो मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी है और यही आवर्त सारणी अभी यूज में है, मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी। अब इनका कॉन्सेप्ट क्या था, इनका कॉन्सेप्ट अभी तक जो कॉन्सेप्ट चला आ रहा था, क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने परमाणु भार का प्रयोग किया था, एटॉमिक मास का, ठीक है, तो जो मोसले का कॉन्सेप्ट है वह परमाणु संख्या पर है कि सभी तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है, परमाणु संख्या के हिसाब से। परमाणु संख्या मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, प्रोटॉन संख्या की बात करता है। तो सभी तत्वों के जो रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म होते हैं वह उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अरेंज किया गया है और नई आवर्त सारणी बनाई गई है और लैंथेनाइट एक्टिनाइट तत्वों को अलग से रखा गया है। सभी ग्रुपों को आपने देखा होगा, आपने आवर्त सारणी देखी होगी, तो उसमें जो है तो प्रॉपर ग्रुप बने हुए हैं हर तत्व के लिए और अच्छे से सभी तत्वों को स्थान दिया गया है, कुछ रोज और कुछ कॉलम्स में उनको डिवाइड किया गया है। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है वह परमाणु संख्या पर आधारित है, बहुत सारे नए तत्वों के लिए स्थान था। अभी जो है तो 118 तत्वों को खोजा जा चुका है, अभी तक 118 तत्व अभी तक खोजे जा चुके हैं। तो ये जो है तो आवर्त सारणी का इतिहास था। मोसले के द्वारा जो आवर्त सारणी दी गई उसे आधुनिक आवर्त सारणी बोला जाता है। इसमें 118 तत्व खोजे गए हैं और अभी ऐसा नहीं है कि सारे तत्व अभी खोजे जा चुके हैं, अभी आगे और तत्व भी खोजे जा रहे हैं, प्रयास जारी है, नए नए तत्व खोजे जाएंगे, तब शायद इसे वर्गीकरण में थोड़ी और किसी और आवर्त सारणी को देखने को मिलेगा। तो ये आवर्त सारणी का हमारा इतिहास था कि कैसे बनना प्रारंभ हुआ और कैसे जाकर आज तक आधुनिक आवर्त सारणी बनी जो परमाणु संख्या पर आधारित है। आपको ये वर्ड जरूर याद रखना कि परमाणु संख्या पर, क्योंकि इससे पहले जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु भार पर आधारित थी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।